हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में मुलेठी की क्रीम बनाना सिखाऊंगी। मुलेठी की क्रीम को लिकोराइज क्रीम भी कहते हैं इंग्लिश में। ये मुलेठी की क्रीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपकी स्किन को लाइटन और वाइटन बनाने में। ये आपकी स्किन को गोरा बनाने के साथ साथ आपकी स्किन पर से कोई भी दाग धब्बे हैं या पिगमेंटेशन या झाइयों झुर्रियों की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर देती है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग और इवन टोन्ड बनाती है। इस मुलेठी की क्रीम में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन पर से पिंपल्स, दाग धब्बे और सनटैन को सिर्फ कुछ ही दिनों में हटा देते हैं और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा गोरा और ग्लोइंग बनाते हैं। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लिकोराइज पाउडर यानी कि मुलेठी का पाउडर, और ये पाउडर आपको किसी भी स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको ना मिले तो मैं इस पाउडर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्रीम को बनाते हैं। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में एक चम्मच मुलेठी का पाउडर ले लीजिए। मुलेठी के पाउडर के बाद हमें चाहिए गुलाब जल, और यहाँ पर मैं इस पाउडर के अंदर 2 चम्मच गुलाब जल डाल रही हूँ। और फिर इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ और लम्फ्री पेस्ट बने, यानी कि स्मूथ और बिना गांठों वाला पेस्ट बने। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका मुलेठी का पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा। अब हमें इस पेस्ट को छानना है ताकि इस पेस्ट में से सारी गांठें हट जाए और एक फाइन लिकोराइज पेस्ट यानी कि मुलेठी का पेस्ट हमें मिले। और अच्छे से छानने के बाद आपका मुलेठी का पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा। तो चलिए अब हम इस पेस्ट से क्रीम बनाते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में 2 चम्मच लिकोराइज का पेस्ट ले लीजिए। फिर हमें चाहिए बादाम का तेल, और अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच बादाम का तेल इस पेस्ट में डाल रही हूँ। बादाम का तेल डालने के बाद हमें चाहिए ग्लिसरिन, और अगर आपके पास ग्लिसरिन नहीं है या आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप वाइटमिनी की कैप्सूल्स जो कि इजीली किसी भी केमिस्ट की शॉप पर आपको मिल जाएगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच ग्लिसरिन डाल रही हूँ, और अगर आप वाइटमिनी की कैप्सूल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 से 4 विटामिन ई की कैप्सूल्स इसमें डाल सकते हैं। और अब ग्लिसरिन डालने के बाद अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक स्मूथ पेस्ट बने और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर अच्छे से कंबाइन हो जाए यानी कि मिल जाए। और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें हम लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है एलोवेरा जेल, और यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। और एलोवेरा जेल डालने के बाद अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक स्मूथ, क्रीमी, फ्लफी और लम्फ्री क्रीम बने। और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी मुलेठी की क्रीम रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी। ये क्रीम बहुत ज्यादा असरदार है आपकी स्किन को गोरा और ग्लोइंग बनाने के लिए, और इस क्रीम की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए और बहुत ज्यादा क्रीमी और फ्लफी होनी चाहिए जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही ईजी है, आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पे 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये मुलेठी की क्रीम बेस्ट होती है स्किन लाइटनिंग और स्किन वाइटनिंग में। ये क्रीम 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है जो कि बेस्ट नोन है स्किन वाइटनिंग, लाइटनिंग और सनटैन या अनइवन स्किन कॉम्प्लेक्शन को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए। ये क्रीम आपके दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, पिंपल्स को जड़ से खत्म कर देती है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा क्लियर, ग्लोइंग, रेडिएंट और स्पॉटलेस बनाती है। इस क्रीम को अगर आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो ये क्रीम आपकी स्किन को बहुत ज्यादा गोरा, निखरा हुआ, ग्लोइंग और स्पॉटलेस सिर्फ कुछ ही दिनों में बना देगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी है, आप इसको नॉर्मली किसी भी क्रीम की तरह अपने स्किन पर लगा लीजिए। आपको सिर्फ ये क्रीम जरा सी लेनी है, अपने स्किन पर लगानी है और जेंटली मसाज करना है 15 से 20 सेकंड के लिए, और अच्छे से मसाज करने के बाद इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले।
तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।